गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 के चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, सर्वनाम। सर्वनाम का परिचय। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत भाषा के प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सर्वनाम शब्द ये हैं। तद माने वह, त ए तद माने यह, इदम माने यह, किम माने क्या, अस्मद माने मैं हम, और तथा जुष्मद माने तुम। इनमें से तद, एतद, इदम तथा किम के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, जबकि अस्मद तथा युष्मद के शब्द रूप सभी लिंगों में समान चलते हैं। अब देखिए, इसमें है कि तद के पहले बताया जा रहा है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग में वह छात्र, वह विद्यार्थी है, तो सह छात्रा, तव छात्रौ, वे दोनों विद्यार्थी हैं, और ते छात्रा, वे विद्यार्थी हैं। इस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में है। इसको आप, इसको जब हिंदी साथ साथ है, इसको पढ़ लेना है। आप दूसरा पेज में आ जाइए, एतद माने यह, इसमें आपको याद करना होगा। इसका रूप चलेगा सातों विभक्ति में, लेकिन आपको अभी एकक बताया जा रहा है, एकक बताया जा रहा है। जैसे कि ऐसा, एतौ, एते। अब स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, एता। नपुंसक लिंग में एतत, एते, एतानी। अब किम माने क्या, तो इसका रूप सातों विभक्ति में चलेगा, लेकिन आपको एकक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग बताया जा रहा है। इसका चलेगा जैसे बालक के रूप चलता है, इसका चलेगा कह कौ के, कम कौ कान, लेकिन आपको एक ही वचन के, खाली तीनों वचन में एक ही माने पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के बता दिया रहा है। अब आगे आ जाइए, इसमें है अस्मद के, मैं के, और जुष्मद के, तुम के, ये तो अमी वामी, अमी सब आप लोग को याद भी होगा। अब अस्मरणीय, याद करने लायक बात कौन है, जुष्मद का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए, अस्मद का प्रयोग केवल उत्तम पुरुष वक्ता के लिए। वक्ता किसे कहते हैं, बोलने वाला को, श्रोता किसे कहते हैं, सुनने वाला को। नेक्स्ट पेज, पेज पर लड़िए। अब आ गया अभ्यास। अभ्यास अस्मद युष्मद च सर्वनामयो रूपानि कठस्थम कुरुतम। तो कुरुत, इसके रूप हम आप लोग को पहले भी बताए थे, याद कर लीजिएगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मन, और जुष्मत त्वम युवाम युवम त्वम युष्मन, ये सातों विभक्ति में याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर, लिखित क्वेश्चन आ जाइए। लिखित क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1, उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए क्या, क के दूसरा एतानी, ख के तीसरा सह, ग के चौथा तीसरा ई में, और घ के तीसरा कौ, अंग के पहला वयम। क्वेश्चन नंबर 2, 2 में संस्कृत में उचित सर्वनाम पद लिखना है। इसमें क के त्वम, ख के वयम, ग के युवाम, और घ के आवाम, अंग के कौ, और च के कानी, छ के एतौ, और ज के एते। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज 3 में मिलान करना है। 3 में मिलान कर शब्द और अर्थ के साथ, तो क के चौथा, ख के छठा, ग के पहला, घ के पाँचवा, अंग के दूसरा, च के आठवा, और छ के तीसरा, और ज के सातवा। व्याकरण बोध, इसको भी बता देते हैं। व्याकरण बोध में क पहला के हो जाएगा, क के सा, ख के ते, ग के तानी, घ के शह, अंग के तव। दूसरा में आ जाइए, दूसरा के है, दूसरा में है क के सा, और ख के ते, ग के तानी, घ के तव, अंग के ते, और च के तत। अब इसको है कि 5-5 वाक्य बनाना है, क्रियाकलाप एक्टिविटी जो है आप करिएगा, बनाइएगा। और इसमें जो है पाठ में दिए गए प्रत्येक सर्वनाम, सर्वनाम देखे ही हैं कि मैं, तुम, वह सब है, इसका प्रयोग करना है, 5-5 वाक्य बनाना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अहम पठामी, इस तरह बनाइएगा, ठीक है, ओके।